वेलकम स्टूडेंट माय यूट्यूब चैनल जैकलोन जॉब। स्टूडेंट सब्सक्राइब कीजिए जैकलोन जॉब चैनल को और पाते रहे नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी लेटेस्ट अपडेट टाइम टू टाइम। तो फिलहाल इस वीडियो में बात करने वाले नर्सिंग क्या है, क्या यह सही है या गलत है। तो सही गलत का डिसीजन तो आप पहले ले ही नहीं सकते। अगर आप जानना चाहते हैं कि यह सही है या गलत है तो ये वीडियो कम्प्लीट देखिए और उसके बाद कहना है कि यह सही है या गलत है, क्योंकि फिलहाल आपको पता नहीं है। अगर होगा तो बहुत सारे स्टूडेंट को तो कमेंट करके बता सकते हो कि इसके स्कोप कौन कौन से है। वैसे मैंने स्पेशल वीडियो बना दिया था कि स्कोप बहुत सारे हैं इसके, वो भी छोटा पड़ गया था वीडियो, इतने सारे स्कोप थे। बट हम डीपली स्टडी करने वाले शुरू से लास्ट तक कि ये सही है या गलत है, ठीक है। तो हम जान लेते हैं कि नर्सिंग एक्चुअल में है क्या। चलिए स्टूडेंट, नर्सिंग इन दिनों एक उजले कैरियर के रूप में सामने आया है। सही बात है स्टूडेंट, एक उजले स्कोप इतने सारे बढ़ गए इसके कि कोई लिमिट ही नहीं है। यह एक ऐसा कोर्स है जिसे गांव से लेकर शहर तक की छात्र छात्राएं करना पसंद करते हैं। नर्सिंग का कोर्स वे लोग भी करना चाहते हैं जो समाज की सेवा करना चाहते हैं। नर्स वे कार्य करती है जो डॉक्टर भी नहीं करते हैं। बिल्कुल सही बात है, ज़्यादा टाइम स्पेंड कौन करते हैं, डॉक्टर कभी नहीं करते। डॉक्टर ओनली राउंड के लिए आते हैं, बाकी केयर नर्स को ही करनी पड़ती है। अगर देखा जाए तो डॉक्टर भी नर्स के बिना कुछ नहीं कर सकता। सही बात है, ऑपरेशन थिएटर में जो रोल होता है वो कहते हैं ना कि 50-50 दोनों का होता है, बट मैं तो कहता हूँ कि 60% तो नर्सिंग वालों का ही होता है, ठीक है। आप नर्सिंग का कोर्स करके लोगों की सेवा कर सकते हैं। नर्स का कार्य बहुत ही उत्तरदायक होता है। जो लोग दूसरों की सेवा करने की भावना रखते हैं तो स्कोप तो वहीं बढ़ जाता है स्टूडेंट। जहाँ पर आप किसी की दुख दर्द दूर कर रहे हो, किसी दूसरे की भावना समझ रहे हो, तो आप सक्सेसफुल वहीं हो गए। उनको ये कोर्स करना जरूरी चाहिए। वे इनसे न सिर्फ सेवा कर सकते हैं बल्कि अपने पैरों पर खड़े भी हो सकते हैं और एक अच्छी तनख्वाह इनकम भी कर सकते हैं। इनकम तो बहुत सारी है, आपके स्टेट लेवल पे, आपके कंट्री पे, यहाँ तक कि विदेश देश भी, अब्रॉड में भी बहुत सारी स्कोप है इसके, तो हर जगह स्कोप है। अब आप ही बताइए कि आज के ज़माने में पता है तो कौन कौन सी बीमारियाँ लॉन्च हो रही है, यानी नाम ही नए नए आ रहे हैं, तो ऐसे में स्वास्थ्य की रिक्वायरमेंट सभी को है। जहाँ स्वास्थ्य की रिक्वायरमेंट सभी को है तो स्कोप तो ऑटोमेटिक बढ़ गया ना, ठीक है। जहाँ पर और कोर्सेज है वहाँ पर कंपटीशन लगा हुआ है, प्रतिस्पर्धा लगी पड़ी है, कुछ हो ही नहीं रहा। बट यहाँ पर आप देख पा रहे हो स्कोप बढ़ता ही जा रहा है दिन ब दिन। इन्वायरमेंट इतना ख़राब हो गया है कि जाने कौन कौन सी डिसीज सामने आ रही है, तो उसके लिए ट्रीटमेंट तो चाहिए, तो स्कोप तो बढ़ ही रहा है ना। वो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो, प्राइवेट सेक्टर में हो, या फिर आपके कहीं भी पर्सनल हो, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा स्कोप है और भी हम इसके बारे में जानकारी गेन कर लेते हैं। जैसे ही हम नर्स का नाम सुनते हैं वैसे ऐसा लगता है कि यह क्षेत्र सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए ही है, लेकिन आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको यह भी बता दें कि ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि महिलाएं ज़्यादा अच्छे तरीके से देखभाल करती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। केवल महिलाओं के लिए नहीं, ये पुरुषों के लिए भी है। इस क्षेत्र में दोनों ही महिलाएं या पुरुष कोई भी अपना भविष्य बना सकता है, ठीक है। बट आपको अभी पता होगा कि 80-20 का जो रेशियो चल रहा है उसका विरोध हो रहा है काफ़ी। 80-20 यानी कि 80% महिलाओं को लिया जाएगा, 20% पुरुषों को लिया जाएगा, इसका विरोध हो रहा है। आशा करता हूँ दोनों को 50-50 समान अधिकार प्राप्त हो जाए। जो लोग दूसरों की सेवा करने की भावना रखते हैं उनको यह कोर्स जरूरी करना चाहिए। वे इनसे न सिर्फ सबकी सेवा भी कर सकते हैं बल्कि अपने पैरों पर खड़ा होकर तनख्वाह भी कमा सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों के लिए, अगर आप के अंदर जुनून है इसको करने का तो आप इसको कर सकते हो। अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा आपको करना है। अगर आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लो है तो आप NM चूज़ कर सकते हो, अगर हाई है तो आप कुछ भी कर सकते हो। जी, इसके लिए NM है, GNM है, BS नर्सिंग है, पोस्ट BS नर्सिंग है, MSc नर्सिंग है, कोई सी पकड़ के निकल लो, ठीक है ना। तो स्कोप ही स्कोप है, स्कोप के लिए तो मैंने स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उसको, और भी हम इसके बारे में जानकारी गेन कर लेते हैं। चलिए, क्या है नर्सिंग, व्हाट इज़ नर्सिंग। नर्सिंग के क्षेत्र में कई तरह के कोर्स होते हैं, जैसे कि डिप्लोमा हो गया, अंडर ग्रेजुएट कोर्स हो गए, सर्टिफिकेट कोर्स हो गए, ये बहुत सारे कोर्स हो गए अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट। ये डिपेंड करता है अपनी योग्यता के अनुसार। अगर आप सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहते हो तो आप NM कर सकते हो, अगर आप डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हो तो जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी यानी कि GNM आप कर सकते हो, अगर आप डिग्री कोर्स करना चाहते हो तो BS नर्सिंग आप कर सकते हो, ठीक है। चॉइस आपके पास है।
अपनी योग्यता और रुचि के अनुसार छात्र चुनाव कर सकते हैं। अगर आपने नर्सिंग में बीएससी की है तो इसके बाद आप पोस्ट ग्रेजुएट का कोर्स भी कर सकते हो एमएस नर्सिंग। इसके तहत आप डायटिक्स, कार्डियोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, ऑप्थेल्मोलॉजी और भी ऑर्थोपेडिक्स आदि विभिन्न क्षेत्रों में भी विशेषज्ञ स्पेशलिस्ट हासिल हो सकते हो। आपको बता दें कि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहते हैं तो आप इस क्षेत्र में एमफिल पीएचडी भी कर सकते हो। इसको बहुत सारे जो भी करना चाहो आप कर सकते हो। आप चाहे तो क्लिनिकल में काम कर सकते हो, आप चाहे तो टीचिंग लाइन में भी जा सकते हो। चॉइस आपके पास है, जैसा आप चूज करो। आपको बता दें कि नर्सिंग प्रवेश परीक्षा के आधार पर ही अधिकांश अच्छे संस्थाओं में दाखिला मिलता है। सही बात है। एंट्रेंस एग्ज़ाम, प्री एग्ज़ाम, जिसके बाद में करता रहता हूँ, ठीक है, कि फॉर्म कब निकलेंगे, अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो सब मैं आपको जानकारी प्रोवाइड करा देता हूँ, ठीक है। तो मेरे हिसाब से नर्सिंग कोर्स बेस्ट है। स्कोप इतने सारे है, अभी प्रेजेंट टाइम में तो है ही सही, लेकिन फ्यूचर में तो और ज़्यादा होने वाले है, और अब्रॉड में, देश विदेश में तो इसके सारे बहुत सारे स्कोप है, और बेरोजगार कोई नहीं रहता इसको करने के बाद। और जो कॉलेज डिग्री हासिल करते हैं, जैसे कि बीएड, एमए हो गया, बीए हो गया, बीएससी हो गया, जाने कौन कौन से होती है, इनको करने के बाद ज़रूर स्टूडेंट बेरोजगार रह जाता है, बट नर्सिंग ऐसा कोर्स है जिसको करने के बाद वो बेरोजगार रहता है नहीं है, कहीं ना कहीं पर सेटलमेंट हो ही जाता है, ठीक है। तो अगर आपके अंदर जुनून है करने का तो आप इसको ज़रूर कर सकते हो। इसके लिए आपको करना क्या है, कुछ नहीं, एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है और उसके थ्रू आपको एडमिशन लेना है, ठीक है। प्राइवेट में आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो, बट उसकी फीस थोड़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। अगर आपको गवर्नमेंट में लेना है तो प्री एग्ज़ाम दीजिए पहले, वो डिपेंड करता है आपके स्टेट के ऊपर कि कब आएगा। तो मेरा जो साइंस एम के एस चैनल है उस पर मैं बताता रहता हूँ कि कौन से स्टेट में कब आएगा, तो आप साइंस एम के एस चैनल को देख सकते हो, और भी जानकारी गेन कर लेते हैं इसके बारे में। अब बात कर लेते हैं नर्सिंग के लिए क्या एलिजिबिलिटी, क्या योग्यता में होनी चाहिए, शैक्षणिक योग्यता। पहले बात कर लेते हैं एएनएम के बारे में। अगर आपको साइक, नर्स, मिडवाइफरी, हेल्थ वर्कर, एएनएम कोर्स करना है तो आपकी न्यूनतम योग्यता कम से कम 12वीं पास होनी चाहिए। चाहे आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो, कॉमर्स के स्टूडेंट हो, साइंस के स्टूडेंट हो, किसी के भी हो, 12th पास चाहिए ओनली। आयु मिनिमम 17 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 35 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो आप एएनएम में एडमिशन ले सकते हो। और इसके फॉर्म कब भरे जाएंगे ये तो इन्फॉर्मेशन आपको मेरे चैनल पर मिली जाएगी, चाहे वो एएनएम हो, जीएनएम हो, बीएस नर्सिंग हो, एमएस नर्सिंग हो, इनके फॉर्म कब भरे जाते हैं। आप अगर मेरे चैनल पे होंगे तो आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती ही रहेगी इनके बारे में, तो पैरामेडिकल हो गया, फार्मेसी हो गया, कोई भी हो गया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम जीएनएम के बारे में, इसके लिए भी क्या क्या योग्यता होनी चाहिए वो भी हम देख लेते हैं। अब बात कर लेते हैं जीएनएम नर्सिंग के बारे में। इसके लिए कम से कम योग्यता एलिजिबिलिटी आपकी 12वीं पास होनी चाहिए, और वो भी किससे, भौतिक रासायनिक जीव विज्ञान यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी कि साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए, वो है गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए, ठीक है। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो आपके पास साइंस स्ट्रीम होना ज़रूरी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है। अगर आप प्राइवेट में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप आर्ट्स वाले भी ले सकते हो प्राइवेट में, तो अगर आपके पास आर्ट्स कॉमर्स है तो आप प्राइवेट में वैसे ही एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। बट गवर्नमेंट के लिए तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कंपलसरी होना। फॉर्म कब निकलेंगे वो तो आपको मिल ही जाएगा चैनल पे। साथ ही कम से कम 40-50% अंक भी होना चाहिए। आयु वही 17-35 के बीच आपकी होनी चाहिए, 17 से कम नहीं होनी चाहिए, 35 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। ये है जीएनएम के लिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं बीएससी नर्सिंग के लिए। स्टूडेंट जीएनएम एक डिप्लोमा कोर्स है, आर्ट्स वाला इसे को प्राइवेट से कर सकता है। अगर आपको गवर्नमेंट में से एडमिशन चाहिए ना तो इसके लिए तो आपको साइंस में पास आउट होना चाहिए 12th। अब बात कर लेते हैं बीएससी नर्सिंग की। बीएससी नर्सिंग यानी कि नर्सिंग से आप बीएससी कर रहे हो, इसके लिए 12th पास होना ज़रूरी है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपके पास होना कंपलसरी है, ठीक है। और इसमें मिनिमम आपके जो ओबीसी और जनरल है उनके लिए 45% होना चाहिए, और जो एसटी एससी कैटेगरी वाले हैं उसके लिए 40% होना चाहिए। यहाँ पर 55 दिया हुआ है, कुछ ज़्यादा है, बट आपके लिए अगर आप जनरल ओबीसी के हो तो 45 पे आपका काम बन जाएगा। अगर आप एसटी एससी वाले हो तो आपको 40% पे आपका काम बन जाएगा। आपकी उम्र 17-35 के बीच हुआ होना चाहिए, 17 से कम नहीं होना चाहिए, 35 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको पहले प्री एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपके पास होना चाहिए 12th में।
उसके बाद या बी एस नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करके इसमें एडमिशन ले सकते हो। ये 4 साल का डिग्री कोर्स है, इसके बाद 6 महीने की इंटर्नशिप होती है। बहुत अच्छा कोर्स है, आप अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा करना है। अब एम एस नर्सिंग की बात करें तो एम एस नर्सिंग इसके बाद होता है, बी एस नर्सिंग के बाद 2 ईयर्स का होता है, मास्टर डिग्री है वो, किसी से भी आप कर सकते हो अपनी चॉइस के अनुसार, कार्डियो से, पीडियाट्रिक से, ठीक है ना, तो ओबीजी से। नौकरी की संभावना तो बहुत सारी है, आपको क्या पता, नौकरी की संभावना इतनी सारी है कि इतनी सारी तो किसी में ही नहीं होगी, ठीक है ना। चलो आगे हम कुछ और बात कर लेते हैं। स्टूडेंट अगर बात करें नर्सिंग में नौकरी संभावना है तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी बहुत सारी जॉब्स है और प्राइवेट में भी बहुत अच्छे तनख्वाह मिलते हैं। अगर आप अब्रॉड में जाना चाहते हो तो भी बहुत सारे स्कोप है इसमें। तो जब आप इस नर्सिंग कोर्स को लेते हैं तो आप शुरुआत होती है अस्पतालों में स्टाफ नर्स के तौर पर, फिर आप 2-3 साल में वार्ड सिस्टर बन जाते हैं। नर्सिंग करने के बाद आप सरकारी और निजी अस्पतालों में नौकरी कर सकते हो। अगर आप टीचिंग में जाना चाहते हो तो वो भी ऑप्शन आपके पास होता है। इतना ही नहीं, इसके अलावा आप स्कूल हेल्थ नर्सेज, इंडस्ट्रियल नर्सेज और फॉरेंसिक नर्सेज, ड्रग्स कंपनी, कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज, स्पेशल क्लिनिक, केयर सेंटर और काउंसलिंग सेंटर में भी नौकरी कर सकते हो। साथ ही आप नर्सिंग कॉलेज में टीचर भी बन सकते हो, जैसा कि मैंने बोला था ना कि टीचिंग लाइन में भी आप जा सकते हो। तो आपके पास 2 अपॉर्चुनिटी हुए, क्लिनिक का मन करे तो क्लिनिक में जा सकते हो, टीचिंग का मन करे तो टीचिंग में जा सकते हो, ठीक है। साथ ही आप 12वीं के बाद बी एस नर्सिंग कर सेना में नर्स बनने के लिए आवेदन कर सकते हो। आर्मी, इंडियन आर्मी का तो बहुत सारा स्कोप है, बहुत सारे स्कोप है। नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बन सकते हो, पैसों का पेड़ लग जाएगा फिर तो आपके, ठीक है ना। तो इतने सारे अपॉर्चुनिटी है तो फिर इसको क्यों नहीं करते स्टूडेंट। अगर आपके अंदर जुनून आ रहा है तो आप भी कीजिए, एंट्रेंस एग्जाम दीजिए और एडमिशन पाइए, कोर्स कीजिए, बहुत अच्छा कोर्सेज है, बेरोजगार कोई नहीं रहता इसको करने के बाद, ठीक है ना। कहीं ना कहीं जॉब भी इसमें मिल ही जाती है। स्वास्थ्य की रिक्वायरमेंट किसको नहीं है, सोचिए ज़रा। स्वास्थ्य की रिक्वायरमेंट अभी प्रेजेंट टाइम में सभी को है और आने वाले टाइम में और ज़्यादा बढ़ने वाली है, ठीक है ना। तो स्कोप तो ऑलरेडी बढ़ रहे है, तो बहुत अच्छा कोर्स है, बहुत अच्छे तीनों NM, JNM, BS नर्सिंग, MS नर्सिंग, बहुत अच्छा फील्ड है। अगर स्टूडेंट इसके स्कोप की बात करूँ तो ये वीडियो 1 घंटे का बन जाएगा, तो इसलिए मैंने अलग से स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है स्कोप के लिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, स्कोप आप खुद देख लीजिए जाके। स्टूडेंट अगर कोई समस्या हो, कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा।